डियर स्टूडेंट्स, डू वाइल आप स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको बहुत सारे दिए भी थे, आप किए भी, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जो भी है जैसे भी आपको करना करें। अब आज के जो प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द sum of first 10 natural number। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो मैंने while में convert करके बताया था उसी को चीज को आपको follow करना है। guys include studio.h int sum equal to 0 semicolon int I is equal to 0। अब यहाँ पे 0 इसलिए ले रहा है क्योंकि do पहले काम करता है तो पहले ही उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो आप उस पे फोकस रखिएगा। फिर clr do बात करेंगे आई प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस आई एंटर सम इक्वल टू परसेंट डी सम देखते हैं। ये आपके सामने पूरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग। अगर आप बात करते हैं, अगर यूजिंग नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं यूजिंग डू वाइल। डू वाइल से प्रोग्राम्स को हम देखेंगे, हेड अ फाइल बनाए, मेन बनाए। अब आपको सारे प्रोग्राम्स आपको एचडी आ जाने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स। मैंने जो भी आपके सामने प्रोग्राम दे रखा है वो आप प्रोग्राम को कंप्लीटली आप देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के प्रोग्राम में ज्यादा मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आज आपको होमवर्क ज्यादा करने हैं, क्लास वर्क ज्यादा करने हैं। वो इसलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्या करना है, फाइंड करना है सम। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि डू करता क्या है, आई की जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे या किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू इनिशियलाइज करोगे उसमें पहले ही इंक्रीज कर देगा। फिर कुछ बच्चों ने, क्लास के ही बच्चों ने हमसे हमें रिप्लाई किया कि सर हम चाहे तो होल नंबर को पेंट कर सकते हैं, और इसलिए कर सकते हैं 0 के साथ स्लैश टी का यूज कर लें तो हम प्रिंट किए कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, या स्लैश एन लगा सकते हैं तो उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जा सकता है। यानी इसके पहले ही, इसके डू के पहले ही हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा लें, 0 को पहले ही प्रिंट करा लें तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया जा सकता है। व्हाई नॉट, आप बहुत अच्छा किए कि कुछ बच्चों ने ऐसे रिप्लाई किया था मुझे, तो अच्छा लगा मुझे। आप एकदम कर सकते हैं, लेकिन तब फिर अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर डू वाइल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा प्रोग्राम में। और यही कारण है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने के कारण कि डू वाइल मार्केट में रहता अभी है भी नहीं। आज मॉडर्न सिनेरियो में अदर बच्चे, चाहे जो भी क्लासेस के हैं, जो भी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है, वो अब कहां डू वाइल से थोड़ी ना कराई जाती है, चाहे ब्लू जावा की प्रोग्रामिंग हो, सी प्लस प्लस की हो, सी की हो, ओरेकल की हो, या आपका फोर्ट्रॉन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग है उसमें सबसे ज्यादा हम फॉर का ही यूज कर रहे हैं, फॉर लूपिंग का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। डू वाइल भी आपके ज्यादा है नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो ये आपका डू वाइल आपको देख सकते हैं।
और एक चीज और बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में टू वाइल आपसे आएगा भी नहीं, एग्जाम में जब भी आता है या तो वाइल से आएगा या तो फॉर से आएगा। ठीक, अगर आपको फॉर से आता है तो आप उस दिए गए प्रोग्राम को फॉर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वाइल से ही करना। यानी मैंने यही सेम प्रोग्राम वाइल लूप में भी बताया है और अभी मैंने इसको डू वाइल में भी करना बता दिया। तो इसका क्या मतलब है, ये आपको जिससे आए, अगर डू वाइल से आपको आता है तो डू वाइल से करो, वाइल से आता है तो वाइल से करो, फॉर लूप से आता है तो फॉर लूप से कंप्लीट करो। मतलब आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जो क्वेश्चन दिया गया उसका रिप्लाई सही है। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया यूजिंग डू वाइल तो इसका मतलब है कि कंपल्सरी है कि डू वाइल से ही करना है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है। मैं तो जानबूझ के लिखता हूँ इसी से, क्योंकि हमने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन में दिया है। क्लियर, फिर बात करते हैं आई की वैल्यू, हमने इंक्लूड कर दिया, आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, फिर उसको सम कर लिया, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया और यहाँ पे गेट सी एस लगा दिया। ठीक, अब बात करते हैं ये लूप कहाँ चलाएंगे, तो बात आती है लूप वाली। तो लूप आपको अच्छी तरह से पता है कि लूप कहाँ चलाना है हमें। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पे छोड़े थे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, वाइल वर्ट आई लेस देन 10 सेमीकोलन, ठीक है, डू के बाद वाइल तो चलाना अनिवार्य है, तो यहां पे आप वाइल लिख देंगे। क्लियर, आज आपको ज्यादा होमवर्क ही करना है, केवल ज्यादा से ज्यादा आपको खुद करना है। ठीक, तो मैं आपको क्लास वर्क देता हूं, आपका जो भी शायद सातवां प्रोग्राम या आठवां प्रोग्राम रहा होगा, 11वां प्रोग्राम, इसको 12 मान के चलते हैं, और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर यूजिंग वाइल बी 13, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम यूजिंग डू वाइल P14, write a program to print table of 5 using do while. Write a program to print the rookie series using do while. इतने बस प्रोग्राम कर लीजिएगा, और आपके जैसे ही आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, मैं यहीं पे आपका डू वाइल भी फिनिश कर दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम आप पूरा कंप्लीट करके आप हमको रिप्लाई करेंगे। जिसको अगर डाउट्स है थोड़ा बहुत, तो ये मैं छोटा थोड़ा कर दे रहा हूँ, प्रोग्राम आप एक साथ देख लेंगे, ये आपके सामने है, प्रोग्राम को आप लोग देख लेंगे बढ़िया से, अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप उस चीज को रिप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, अब इस चीज को देखेंगे और इसको आप पूरा का पूरा प्रोग्राम, अब ये नंबर पे मत जाएगा कि सर प्रोग्राम नंबर 3 है, 13 है, 14 है, वो आप अपने कॉपी में एडजस्ट कर लीजिएगा कि कैसे कौन सी प्रोग्रामिंग किस नंबर पे है। आज केवल मैंने सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर को एक्सप्लेन किया, उसके बाद
मैंने 10 फर्स्ट 10 इवेंट नंबर को प्रिंट करना है, इसके बाद 10 आपको क्या करना है, अपने नाम को 10 बार प्रिंट करना है, फिर दूसरा अगला प्रोग्राम है टेबल प्रिंट करना है 5 काम, नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम दिया फिर ब्लॉक की सीरीज प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब आप इसको करके कंप्लीट करके आप हमको भेजेंगे और यहीं पे आपका डूबाइल फिनिश। अब आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट लूप आपको स्टार्ट करेंगे फॉर ट्यूजडे की क्लास से हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम केवल फॉर पे ही फोकस करेंगे और हर जगह, चाहे एरे हो, चाहे आपका स्ट्रिंग फंक्शन हो, चाहे आपका लाइब्रेरी फंक्शन हो, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, चाहे एरे होगा, चाहे कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे सॉर्टिंग होगी, सॉर्टिंग में आपका बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, वो सब अब हम केवल केवल फॉर लूप से स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी व्हाइल पढ़ाया, डू व्हाइल पढ़ाया, अब जब फॉर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों में से बेहतर लूप कौन सा है। तो फिलहाल जब पढ़ लेंगे तब मैं आपको तीनों में डिफरेंट समझा दूंगा एक साथ, और समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।